भाई साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा इंफोसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक काफी अच्छे से अपने 20 डेमो को होल्ड कर रहा है और जिस हिसाब से कल भी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला था, मैं लग रहा है इंफोसिस में भी एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है नंबर से पहले। तो 1460 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1500 एंड सेकंड टारगेट 1520 के सेकंड टारगेट के लिए। कविता जी गुड मॉर्निंग, कविता जी आपकी ट्रेड क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड एफएमसीजी से होगा। कल शेयर किया था टाटा कंज्यूमर, दो दिन से अगर ट्रेड सेटअप देखें तो अपने 10 EMA के ऊपर निकला है और मोरोवोजू फॉर्मेशंस बन रहे हैं फ्रॉम द लास्ट टू डेज विद मॉडरेट वॉल्यूम। आई बिलीव यहाँ 884 के ऊपर ये काउंटर अगर सस्टेन करता है तो 895-900 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। सो टाटा कंज्यूमर पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 875 का। कौन सा फॉर्मेशन बोला आशीष इन्होंने? मारुबोजू है ना, मारुबोजू को मारियो सुनाई दिया। थ्री वाइट स्टूजेस, थ्री वाइट कुछ थे सोल्जर्स, उसके बाद अभी आया मारुबोजू जिसमें कविता जी को यहाँ पे कुछ तेजी नजर आ रही है। तो टाटा कंज्यूमर कल मेंशन था और आज भी एक प्रेफर्ड पिक के तौर पे आपकी स्क्रीन पर। ये मारुबोजू में क्या होता है? मारुबोजू इज लाइक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम होता है, विक्स छोटे होते हैं, शेडोज नहीं होती है, कैंडल पूरा बड़ा होता है। हाँ, ये पूरा पूरा कंटिन्यूएशन होता है। हाँ, तो विक नहीं दिख रही, ऊपर नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, जो कुछ है पूरा नीट, मतलब ये पूरी पूरी कल दिन के दौरान बाइंग हो रही है दो दिन से। और ये अगर तीसरा बन गया तो हमारे तीन वाइट सोल्जर भी खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल देखा, सीख रहा हूँ मैं सब इनके साथ। टाटा कंज्यूमर अडा पर रखिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।